सिद्धेश्वर मंदिर पर गौरी शंकर समिति द्वारा शिवजी की शिवलिंग और पार्वती मैया को किया हल्दी और मेहंदी से श्रृंगार। शहर में शिवरात्रि की तैयारियों को लेकर शहर के सभी भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। जहां कई सालों से प्रत्येक सोमवार को महिलाओं द्वारा शिवजी का श्रृंगार किया जाता है, इसी दौरान आज शुक्रवार को गौरी शंकर समिति की महिलाओं द्वारा शिव पार्वती हल्दी और मेहंदी से उनका श्रृंगार किया गया और शिवरात्रि की तैयारियां भी उनके द्वारा की जा रही है। जहाँ महिलाओं द्वारा बताया गया कि पूरे शहर में शिव बारात निकाली जाएगी और सिद्धेश्वर मंदिर पर इसका समापन भी किया जाएगा, जिसके लिए भक्तों के लिए ठंडाई प्रसादी आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। जहाँ समिति अध्यक्ष कृष्णा सिंगल, रेखा उपाध्याय, सीमा बंसल, सीमा गुप्ता, माधुरी गुप्ता, अंशिका गुप्ता, समता सिंगल, दीपा गर्ग, उर्मिला श्रीवास्तव एवं समस्त भक्तगण मौजूद रहे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कृष्ण सिंगल है। आज आप सारी महिलाएं शंकर जी को हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम करने के लिए, क्या क्या कार्यक्रम था और क्या क्या कल होगा, कृपया विस्तार से बताएं। आज हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम रखा था हम लोगों ने, भोलेनाथ को हल्दी लगाई, फिर उसके बाद मेहंदी का प्रोग्राम रखा और अब कल भजन कीर्तन हुए, प्रसाद वितरण हुआ और कल भगवान की बारात आएगी, भगवान का श्रृंगार होगा, बारात आएगी, सब भक्त आएंगे दर्शन करने। सुबह से 4 बजे से भीड़ चालू हो जाती है और रात तक 12 बजे तक चलता है प्रोग्राम, पूरी रात चलेगा। आप सेखेंगे भगवान के नीलकंठेश्वर महादेव से शुरू होगी बारात, पूरी रात आप सेखेंगे भगवान के चार, और जागरण होगा, लोग बैठते हैं जागरण में, आते पूजा सेवा होती है, सब कुछ होता है। सुबह 5 बजे जाके भगवान को प्रोग्राम है कल का, 2 दिन से भगवान भोले बाबा का सब चलता है, भोग प्रसाद बाहर बटेगा, ठंडाई बटेगी, भोग प्रसाद बटेगा, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो अपने हिसाब से सब प्रसाद ले आते, बहुत भीड़ लगती है पूरे टाइम पूजा सेवा मंदिर में, इतनी भीड़ रहती है। सेवा कर रहे थे गौरा मैया कहाँ गई? गौरा मैया तो है, गौरा है ना, पार्वती मैया को भी हल्दी मेहंदी करी, तो बोले पार्वती मैया, वो पार्वती मैया को भी हल्दी मेहंदी करी, सब का सामान चढ़ाया, वो अपना ईश्वर है, तो जहाँ बोले वहाँ पार्वती मैया तो साथ में है दोनों, पार्वती जी को भी श्रृंगार किया उनका। क्या क्या कार्यक्रम वो चलते हैं, क्या क्या चढ़ता है इसमें? दूध दही शहद शक्कर भांग सब है ना, पूरा अभिषेक का फल फ्रूट सब चढ़ते हैं, बेलपत्री फूल माला वगैरह सब होती है पूजा में, पूरा अभिषेक होता है भगवान का अच्छे से। हाँ, धूप दीप की पूजा सब, आरती वगैरह सब होती है, हाँ बेर का तो बिल्कुल है ना विशेष ही है। हाँ बहुत प्राचीन मंदिर है ये, तो बहुत प्राचीन है भैया, हम तो है हम है ना 25 साल हो गए हमें, भोले बाबा की असीम कृपा, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, पूरी होती है सब पर असीम कृपा है प्रभु की, कोई कमी नहीं है, भोले बाबा की बहुत।